दोस्तों पुष्पा टू के एक मिनट के टीजर में मैंने कुछ डिटेल्स को नोटिस किया है जो कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि मूवी में क्या क्या दिखाया गया है। तो टीजर के इस वाले सीन में आप पुष्पा को नोटिस कर सकते हो, जिसने देवी माँ का रूप ले रखा है। और अगर तुम यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ पर शेषनाग को भी दिखाया गया है। अब जहाँ तक मुझे पता है, शेषनाग तो केवल विष्णु जी के साथ रहता था, लेकिन रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि साउथ में एक देवी है जिनका नाम मरियम्मा देवी है। उन देवी के पीछे भी ऐसे ही शेषनाग होता है। साउथ साइड में मरियम्मा देवी की पूजा भी की जाती है और इसका एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है। तो इसे हमें पता चलता है कि जो मूवी के टीजर में सीन दिखाए गए हैं वो इस फेस्टिवल के दिखाए गए, जिसमें पुष्पा ने देवी माँ का रूप ले रखा है। वैसे इस वाले टीजर में जो ये फेस्टिवल मना रहे हैं, इसकी एक छोटी सी झलक पिछले वाले टीजर के स्टार्टिंग में भी दिखाई गई थी, जिसमें यहाँ पर तुम देवी माँ की मूर्तियाँ और स्टैचू को नोटिस कर सकते हो। और बात करें पिछले टीजर की, तो वो इस टीजर से बड़ा दिखाया गया था, और वो टीजर पुष्पा के बर्थडे वाले दिन को दिखाया गया था, और ये वाला टीजर भी पुष्पा के बर्थडे वाले दिन ही रिलीज किया गया है। इसके अलावा इस टीजर में जो एनिमेटेड लोगो और फॉन्ट्स दिखाए गए हैं, उनमें भी एक छोटी सी डिटेल डाली गई है। जैसे कि टीजर के इस वाले सीन में ये जो लोगो दिखाया गया है वो दो तरीके से दिखाया गया है। पहले तो ये चंदन की लाल लकड़ी की तरह दिखेगा, बाद में ये गोल्ड कलर में चेंज हो जाता है, जो कि शायद ये रेफरेंस कर रहा है कि पुष्पा 2 में हमें चंदन की लकड़ी के साथ साथ की भी स्मगलिंग दिखाई जाएगी। और मुझे सबसे अच्छा सीन ये वाला लगा, जिसमें पुष्पा अपने पल्लू को पैर से उठाकर कमर में लगाता है। अगर ये सीन रियल है तो काफी रिटेक के बाद ही शूट किया होगा। तो आपकी क्या राय है इस सीन के बारे में, कमेंट में जरूर बताना कि ये शॉट आपको रियल लग रहा है या फिर VFX के द्वारा क्रिएट किया गया है। बात करें पुष्पा 2 के लोगों की, जो कि चंदन की लाल लकड़ी को रेफरेंस कर रहा है, जो कि बहुत ही प्रीमियम लकड़ी होती है। और साथ ही ये जो ग्रीन कलर का डिजाइन आप देख रहे हैं, ये एक चाइनीज फॉन्ट है, जिससे हमें पता चलता है कि हमें पुष्पा 2 में शायद चाइना के साथ इंटरनेशनल स्मगलिंग भी दिखाई जाएगी। और पुष्पा के टीजर 1 में भी हमें कुछ चाइनीज शॉट्स दिखाए गए हैं। बाकी हमें टीजर के एंडिंग में अल्लू अर्जुन की फाइट भी दिखाई गई है। अगर इस सीन में ये वाला सीन डाल देते तो मजा ही आ जाता। और बात करते हैं इस सीन में जिसमें पुष्पा का क्लोजअप शॉट दिखाया गया है, जिसमें तुम पुष्पा का ये वाला नेल नोटिस कर सकते हो, जिसको डायरेक्टर काफी ज्यादा हाईलाइट भी करना चाहता है, क्योंकि इस नेल को हमने पिछले वाले टीजर में भी देखा था, जहां पर इस सीन में आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा शॉट ब्लैक एंड व्हाइट है। लेकिन नोटिस करने वाली बात ये है कि जो पुष्पा का नेल है वो रेड कलर का हाईलाइट किया गया है। वैसे इस मूवी का बजट 500 करोड़ रुपए से ऊपर बताया जा रहा है, जिससे ये पता चलता है कि मूवी के मेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है इस मूवी को लेकर। वहीं एक खबर ये भी है कि पुष्पा 2 मूवी के साथ ही सिंघम अगेन भी सेम डेट पर रिलीज की जाएगी। और ये पहली बार नहीं हुआ, डंकी और सलार के साथ भी ऐसा ही हो चुका है, जो कि सेम डेट पर रिलीज हुई थी। और कमेंट में जरूर बताना कि अगर ये दोनों मूवी सेम डेट पर रिलीज हुई तो तुम किसे देखने जाओगे। मैं तो इस मूवी को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, और मैं जल्द ही पुष्पा 1 मूवी की हिडन डिटेल्स की वीडियो भी लाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब मिलते हैं किसी नई वीडियो में।